अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफीजन इस्लाम और आज मैं आपके सामने जन्नती जेवर की किताब लेकर आई हूँ। इस किताब के राइटर हैं अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर रहमा और इस किताब में मैं आज आपको तस्कीरा सालहात चंद नेक औरतों का हाल ये पढ़कर सुनाऊंगी। यह वो माएँ हैं जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। इस किताब में मैं हजरत बीबी लुबैना रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़कर सुनाना चाहूंगी। यह एक लौंडी थी, इब्तदाए इस्लाम ही में इस्लाम की हक्कानियत का नूर उनके दिल में चमक उठा और यह इस्लाम के दामन में आ गई। कुफारे मक्का ने इनको ऐसी ऐसी दर्दनाक तकलीफें दी कि अगर पहाड़ भी इनकी जगह पर होता तो शायद लरस जाता, मगर इस पैकर ईमान के कदम नहीं डगमगाए। खुद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब तक दामन इस्लाम में नहीं आए थे, इस लौंडी को इतना मारते थे कि मारते मारते खुद थक जाते थे, मगर हजरत लुबैना रजी अल्लाह अन्हा उफ नहीं करती थी, बल्कि नहायत ही जुर्रत व इस्तकलाल के साथ कहती थी कि ऐ उमर, तुम जितना चाहो मुझे गरीब को मार लो, मगर सुन लो कि अगर खुदा के सच्चे रसूल पर तुम ईमान नहीं लाओगे तो खुदा जरूर तुमसे इंतकाम लेगा। तफसीरा हजरत लुबैना रज़ी अल्लाह अन्हो की इस ईमानी तकरीर की जहांगीरी तो देखो, अभी हजरत लुबैना के जख्म भरे भी नहीं थे। इस्लाम की हक्कानियत ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को इस तरह दबोच लिया कि वह बेख्तियार दामन इस्लाम में आ गए और जिंदगी भर अपने किए पर पछताते रहे और हजरत लुबैना जैसे गरीब और मजलूम लौंडियों के सामने शर्म से सर नहीं उठा सकते थे और उन कमजोरों और गरीबों से माफी मांगा करते। यहाँ तक कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो जिनको यह गरम गरम जलती हुई रेत पलटा कर उनके सीने पर वजनी पत्थर रखा हुआ देखकर हकारत से ठोकर मार कर गुजरते थे, थोड़े दिन नहीं गुजरे थे कि अमीरुल मोमिनीन होते हुए अपने तख्त शाही पर बैठकर यह कहा करते थे, सैयदूना व मौलाना बिलाल, यानी बिलाल तो हमारे सरदार हैं, बिलाल तो हमारे आका हैं, और बिलाल की सूरत को कमाल अदब और मोहब्बत के साथ देखकर जबान हाल से भरे मज़मे में यह कहा करते थे कि बद्र अच्छा है फलक पर ना हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है।